सांप आ गया। हम यहाँ पे आए थे अभी जमीन देखने, माता साहब प्रशांत भाई अभी वो एस्टोग्राफर वो बता के गए अपनी बहुत दूर रखना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू अदर ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जा रहा हूँ जिम प्रशांत की शादी के बाद। अब आज से जिम शुरू कर रहा हूँ, तो चलते सीधे जिम। तैयार हो गया, जूते पहनने हैं, बस जूते पहन के सीधे जिम जा रहा हूँ। और जूते क्यों हैं हमारे, ये रहे जूते पहनते हैं ये वाले, और चलते हैं सीधे जिम। ठीक है, तो वही जूते पहन लिए, एक गिलास पानी, दो खजूर खाते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई हम जिम जाने लगे पैदल पैदल। सामने आर के जिम, शिवधाम कॉलोनी मूवी क्रॉसफिट जिम, सामने देखो पोस्टर भी लग रहा है। और देख सकते हो पानी की बोतल, आपने पानी की बोतल ले ली। और ये देखो ये लग रही है बोट, और सामने यहाँ नीली वो ब्लू कलर की दिख रही है ना, वही जिम अपनी। तो चलते हैं सीधे जिम करेंगे, उससे अकेले ही करेंगे, अब किसी का साथ नहीं चाहिए। किसी के साथ करो वो छोड़ दे तो हमें भी छोड़नी पड़ती है फिर क्या। अरे अकेले क्या करेंगे जाके, इसलिए अकेले ही चलो बहन, कोई काम वाम नहीं। आओ चल रहे हैं सीधे जिम करेंगे, और मिलते हैं सीधे आपको जिम के बाद। और क्योंकि फुल ठंडा ज़्यादा नहीं है तो चलो चलते हैं सीधे जिम। गाइस जिम हो चुकी है, खाली जिम हो गई, सुबह के बज रहे हैं भाई टाइम, यहाँ पर घड़ी नहीं लग रही, लग तो रही थी यार, वो लग रही थी वो सामने 8 बज गए। और जिम हो चुकी है मेरी पूरी, और देखो बॉडी बिल्डर साहब जो हमारे ट्रेनर साहब। तो भाई जिम करके मैं निकल चुका हूँ, ये जिम रह गई पानी की बोतल, चलते हैं सीधे घर। तो अब सीधे घर जाके डाइट लेंगे अपनी, दूध जो भी लेते हैं मतलब वगैरह वगैरह, और रोज़ जिम करनी है भाई, अब नहीं छोड़ेंगे हम, चलते हैं सीधे घर पे। वैसे मैं आ गया हूँ घर पे, अब नहाने जा रहा हूँ पहले, उसके बाद डाइट लेंगे, पहले नहा लेता हूँ जल्दी जल्दी जाके। ठीक है, तो भाई मैंने नहा लिया, अब मैं बैठ के डाइट लेने अपनी। ये भाई देखो गोलियों के संग खेल रहा है, और ये बैठी हुई है हमारी नानी, और सब लोग को यही नहीं, मम्मी कपड़े धोने गई हैं, और ये ओरियो के संग खेला पड़ा है। और मैं अभी जो है चलो फिनिश करते हैं फिर से। तो गाइस मैं हो गया तैयार, और अब मैं जा रहा हूँ गांव, आज भाई नहीं गया तो मैं जा रहा हूँ गांव, वो दम पर बैठूँगा। और ये देखो ओरियो पानी पी रहा है, अभी ओरियो चलते हैं सीधे, बाल बाल काट लूँ जरा, फिर चलते हैं सीधे गाँव। ओके गाँव जाकर मिलता हूँ, रास्ते में दिखा दूँगा थोड़ा बहुत, वरना सीधे गाँव जाकर मिलूँगा सीधे, क्योंकि अकेले जा रहा हूँ, कोई साथ वाले है नहीं, वरना फिर एक हैंडल से बाइक चलाऊँगा और एक फ़ोन पकड़ूँगा, इतना कुछ नहीं कर पाऊँगा ना। तो ठीक है चलता हूँ सीधे गाँव, बाय। तो भाई जाऊँ जरा जमीन के लफड़े में, जरा थोड़ी सी जमीन का लफड़ा था, तो पापा वो आ रहे हैं देखो बिगड़ देखो, सिर्फ भाई खड़े हैं तो भाई अभी गए हैं सब, चलो पकड़ लेते हैं चल रहे हैं सामने मसला तो हमारे भाई शिव आए हैं। ये देखो सामने पुलिस वाले आ रहे हैं भाई साहब, इनके सामने लेखपाल और सब लोग आ रहे हैं, और ये बना तो भाई नापी जा रही है, निशान लगे जा रहे हैं। और भाई एक निशान यहाँ पर खाजे खड़े भैया, सांप आ गया। हम यहाँ पे आए थे अभी जमीन देखने, वहाँ पे सांप आ गया है, देख लेते आप जी देखो। ओ भाई आओ, ये
ये साला रेंग रहा है, इसे बाहर रहे हैं ये। अरे 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 आगे ना वो अरे अरे इस पे फट रहे हैं। प्रशांत भाई का हाथ देखा जा रहा है भाई, देख लो भाई, दिखाओ भाई। अब विवाह हो गया पर पत्नी तुम्हारी चरित्रवान रहेगी ना। बचपन से उसका नसीब अच्छा है, मैं कह सकता हूँ। शुक्र पर्वत कमजोर है, पहली संतान हो सकता है। मैं लड़का आया तुम्हारे शुक्र पर्वत के हिसाब से, पहली संतान लड़की हो। आदमी लक्ष्मी आएगी घर में, तीन चार लड़की एक लड़का। संघर्ष अपने जीवन में संघर्ष बढ़ गया। 2024 के लास्ट में जाकर तुम्हारी विवाह में थोड़ी परेशानी अभी आएंगी, मान ली बात। वैसी मन समस्या है कि लोग कहते मैं नहीं रहनी तुम्हारे साथ, ये तुम झगड़ा मतलब तुम्हारी मम्मी की बहुत ज्यादा बनेगी तुम्हारी पत्नी से, पिता की थोड़ी कम है। भाई सही बात है यार, थोड़ी थोड़ी सही चल रहा है। सूर्य पर्वत भी ठीक है, सूर्य रेखा भी तुम्हारी अच्छी है, मानी ठीक है। ठीक है बहन, खराब है सब कुछ तरफ से, तो बहुत भाई इसकी बीवी तो चरित्र होगी। मम्मी को थोड़ा कष्ट हो रहा है, किसको कष्ट भाई? मम्मी भी सेम कह रहा है, मेरे व्यापार रेखा थोड़ी कमजोर रही, व्यापार में गिरावट आएगी। कमजोर है तुम्हारा मानी शुक्र नीच का, लड़का होने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं भाई, ये पागल हो गया बंदा, ये बंदा पागल हो गया। देखो ओए ले, अबे कर क्या रहा भाई, गाड़ी पेडल भाई, आईफोन चला रहा बंदा, अगला बंदा ओ पागल हो गया। देखो क्या कर रहा है। अरे अरे तुम्हारे ऊपर आके जा तुम भाई, हो गया एक पागल जी रिया भाई यार, तुम बत्ती जैसा बड़ा वाला। प्रशांत भाई अभी वो एस्टोग्राफर वो बता के गया, इन्हें अपनी बहू से दूर रखना। तो गाइस मैं आ गया था घर पे, और आपने देख ही लिया होगा कैसे कैसे क्या बकचोदी चल रही थी। हाथ दिखाया जा रहा था सब लोगों ने, मैंने भी दिखाया था अपना हाथ। कुछ बात सच थी उस लड़के की, और प्रशांत ने भी दिखाया, वासु ने भी दिखाया, हितिन ने भी दिखाया, सब लोगों ने दिखाया था। और बाकी देख लिया होगा जमीन वाला लफड़ा जो था वो ये था कि जमीन थी जो हमने ली थी वो ली थी 26 बीघा, लेकिन बैठ रही थी 21 बीघा, तो उसकी नपा तोली के चक्कर में वो लफड़ा था हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। और आपने देखा सांप निकल आया था वहाँ पर, वासु ने देख लिया था। बाकी सब ठीक है, अब रात हो गई है, मैं आ गया था घर पे ही वहाँ से सारा ख़त्म करके। और ठीक है भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।